आ रही है, मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। ये सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं। Which is the largest exporter of rice in the world, recently announced that exports of non-basmati rice stand banned with immediate effect. Around half of India's rice exports from 2022 were made up of non-basmati white rice. Over 10.3 million tons of non-basmati rice were exported last year from India. The food and consumer तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है लगारी साहब? वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगे लड़ाने के लिए और इस करके लिए, अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को जो लोग। एक तो इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा टेक्नोलॉजी में उनकी उनकी मोनोपोली है और इजराइल के साथ उनके रिलेशनशिप है 1950 से। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा इंडिया एक वाहिद देश में हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। By God you believe, हम लोगों से अच्छे हैं वो। I trust you. उनमें कोई झूट नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जो मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो दो नंबर चीज नहीं देखी, दो नंबर चीज मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफ़कत बड़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर, मुसलमानों से ज्यादा। अभी ये दुबई है, ये ज्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। क्या अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए? अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगे लड़ाने के लिए और इस करके लिए, अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और तो ग्रो कर रहे हैं। 1970s में 80s में जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेकिन अभी डायनेमिक्स चेंज हो चुके हुए हैं, हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें, इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंट की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं उन्होंने किया। दे हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, दे हैव गुड रिलेशन विद यूएसए एज वेल। हर कंट्री इंडिविजुअली मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर भी देखना है, उस चीज़ को भी डेवलप करना है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आईबॉल है, ना सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है ना इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है जितने भी कंट्रीज हैं। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके गा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं, ना हमने ये जंग लड़ी है ना हम जीत सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वजीर अजम भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की जो आपके फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। मलेशिया को देखते हुए मुस्लिम कंट्री है सारा कुछ, हमें भी कुछ इस तरह का स्टेप अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेने चाहिए कि हम भी प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं बजाय इसके कि हम कोई इंक्लाइंट डिसीजन लें किसी की तरफ के सारा कुछ है। हाँ हम हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम एज अ प्रेशर ग्रुप हम अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सकते हैं, उसमें मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, OIC है या और भी है आपके पास गल्फ स्टेट्स को। अगर सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है लगारी साहब? वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। नहीं है, पहले तो आप बेसिक इश्यूज की, आपका जो कंट्रडक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया के साथ, उस पर आप बात करें। कम अज कम अपने लोगों को एतमाद मिले, अपने इदारों को एतमाद मिले। आप सिक्योरिटी पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का इदारा है उसके साथ बात करें कि जनाब ये मामलात हैं, आपकी जो भी दीगर पॉलिटिकल एलाइज हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ बैठ कर कहें कि जनाब ये मामलात हैं, हम इस तरह से चाहते हैं
कि इंडिया के साथ ये मौजूदा हमारे इख्तलाफात हैं, हमारा कश्मीर का इशू है, हमारा सरकरी का इशू है, हमारा पानी का इशू है, हमारे दीगर इशूज हैं, इन इशूज के होते हुए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके साथ बायलेटरल ट्रेड के बारे में गुफ्तगू करें? इसके बारे में आपको अपनी पार्लियामेंट से, आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से, आपको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के ताकत के मराकज से, तमाम इदारों से बात करनी पड़ेगी। अगर आपने ये कर ली है, ये प्रैक्टिस कर ली है और उनसे एतमाद हासिल कर लिया, तो गो अहेड, आप जाएं और करें ये कारोबार। लेकिन अगर वो साथ नहीं है तो फिर आपको बहुत महंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पर हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।